दोस्तों, दिवाली की मेरी कई सारी वीडियो आ चुकी है। आप चाहें तो मेरे चैनल आनंद आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बेकार कार्डबोर्ड, वॉल पुट्टी और कुछ एक्रेलिक कलर से सुंदर सा दिवाली स्पेशल क्राफ्ट बनाना सीखेंगे। यह बनाना बहुत ही ईजी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे। कोट हो चुका है, अब इस पे हम दूसरा कोट करेंगे और सबको चिकना कर लेंगे एकदम। अब इस टाइप का हम एक ढक्कन ले लेंगे। अगर ढक्कन ना हो तो आप न्यूज़पेपर का बना ले जैसे मैंने बनाया, और इस पे वॉल पुट्टी लगाकर सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये हार्ड हो चुका है। अब इस पे हम डिटेलिंग करेंगे। हम सूरज बना रहे हैं तो इस पे हम वाटर लगाएंगे, इसके ऊपर हम आँख कान नाक ये सब सूरज का बनाएंगे। देखिए हमारा ये आँख कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका नोज बनाएंगे। Thank you.
मैंने कुछ डिजाइन बना दिया है, ये देखिए, और छोटे वाले में भी कर दिया। ये घंटी पे भी कुछ डिटेलिंग कर लिया है। अब हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर। जब हमारा सूख जाए तो इसको ब्लैक कलर से कलर करेंगे। मैंने इसे ड्राई होने के लिए रात भर छोड़ दिया था, उसके बाद कलर किया था। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। सूरज को भी ब्लैक कलर से और ये सब को भी ब्लैक कलर से। छोटे वाले में मैंने बीच में येलो कलर यूज किया है, दिया को मैंने रेड कलर दिया है, अंदर से ऑरेंज कलर दिया है, इसके बीच में मैंने रेड कलर फिल किया है, और जो ड्रॉ किया है इसको मैंने गोल्डन कलर से कलर किया है। अब हम उंगली में सिल्वर कलर का पाउडर लगा लेंगे और जहाँ जहाँ डिजाइन बना है सब पे हल्का हल्का घिसेंगे, कुछ इस टाइप से पूरे में हम कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा निखर कर आ रहा है। इसी टाइप से हम छोटे वाले में भी कर लेंगे। देखिए देखिए हमारा पूरे में कंप्लीट हो चुका है। अब हम गोल्डन कलर लगा लेंगे उंगली में और दिया पे अप्लाई करेंगे इस टाइप से। देखिए घंटी में भी गोल्डन कलर लगाएंगे और सूरज पे भी गोल्डन कलर लगा लेंगे कुछ इस टाइप से। देखिए आप ब्रश से भी कलर कर सकते हो, पर उंगली से करने पे ज़्यादा उभर कर डिजाइन आपका आएगा। अब हम कुछ कांच का टुकड़ा लगा लेंगे बीच में। 20 या 25 रुपए का पॉकेट आता है एक पैकेट कांच का। अब हम घंटी को फिक्स करेंगे पतली तार में। देखिए एक मोती लगा लिया ऊपर से और इसको हम इसमें लगा देंगे। देखिए कुछ इस टाइप से हम चारों में घंटी फिक्स कर देंगे एक एक। अब हम एक आइसक्रीम का स्टिक लेंगे और ग्लू गन से चिपका देंगे। फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने एक तार लगा दिया है, देखिए, और यहाँ पे भी एक घंटी लगा देंगे। मैंने ग्लू गन से फिक्स कर दिया है। देखिए दिया के नीचे चारों को इसी टाइप से फिक्स किया है। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप फेविकोल का भी यूज कर सकते हो। देखिए मैंने ग्लू गन से सूरज को भी बीच में लगा दिया है, और ये लॉलीपॉप जो बनाया था ये भी मैंने पाँच पाँच दोनों साइड लगा दिया है नीचे के साइड में। जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए तो इस पे शाइनिंग लाने के लिए मैंने वार्निश से कलर किया है। तो दोस्तों घर में पड़ा पुराना कार्डबोर्ड, थोड़ी सी वाल पुट्टी और थोड़ा सा एक्रेलिक कलर, इसी से ये बेहद सस्ता और आसान दिवाली क्राफ्ट तैयार है। इस क्राफ्ट के बनाने के बाद अपने परिवार के साथ साथ दोस्तों को भी सरप्राइज करें। दोस्तों इस दिवाली इस क्राफ्ट को जरूर बनाएं। दिया जलते ही इस क्राफ्ट की रोशनी आपके दिवाली को और भी रोशन कर देगी। आप घर में लगाएं या बरामदे में, ये हर तरह से आपके इंटीरियर को एक अलग लुक देगा। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टाइप के बहुत सारे नए और लो कॉस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।